उस समय हम केंद्र में मंत्री थे, हम लोगों ने जो कुछ भी लोगों को यहाँ पर अनुरोध किया तो उसके आधार पर एनआईटी पटना भी बन गया। और एक एक चीज किसको एनआईटी जो किया गया, हम मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं भूल सकते, वही उस समय शिक्षा मंत्री थे, हमने अनुरोध किया था तो मान गए कि हम वहीं से पढ़े हैं, इसको एनआईटी में परिवर्तित कर दीजिए। आप जरा देख करके उस बिल्डिंग को देख लीजिए, और उसके अलावा 125 एकड़ अलग से और जमीन हम लोगों ने दिया है, तो एनआईटी बन गया। निफ्ट बनवाया, इसके लिए भी हम गए थे, उस समय शंकर सिंह बघेला मंत्री थे, उनके पास गए, एग्री कर गए, निफ्ट भी बन गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मुफ्त में जमीन दिया, सब बनकर के तैयार है, चल रहा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय बहुत जमाने से बना हुआ है, लेकिन उसके लिए अंत में फिर नालंदा में जाकर के 10 एकड़ जमीन दिया गया, वहां पर अब काम शुरू हो गया। आप इसके अलावा इंडियन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर के लिए मीठापुर में 5 एकड़ जमीन, वो भी शुरू हो गया। और उसके अलावा मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय तो बना दिए थे, नाम से कुछ काम हो रहा था, कुछ सरकार ने उसके लिए किया था, जब हम लोगों को मौका मिला तब हम लोगों ने उस पर सारा काम किया। और उसके बाद अब उसका बिल्डिंग लगभग पूरा बनकर के तैयार है, अभी उसके एक हिस्से का उद्घाटन हुआ है, एक हिस्सा और बचा, उस पर काम चल रहा है। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। और उसके बाद पूर्णिया मुंगेर पाटलिपुत्र 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया में उसको भी जमीन दिया गया, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज में उसके लिए भी हम लोगों ने जमीन आवंटित कर दिया। तो एक एक काम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर दिया, वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान नालंदा के पावापुरी में, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बेतिया में, जन नायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मधेपुरा में, ये सब बन करके और काम फंक्शनल। तो एक एक चीज में तो हम लोगों ने काम किया। कृषि में क्या हुआ, नया कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बनवाए भागलपुर में, 2010 से ही हम लोगों ने कर दिया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा था उसको नेशनल यूनिवर्सिटी बनवाया गया। उसके अलावा बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, उसका निर्माण पूसा में हुआ। 2006 में नालंदा के नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय, 2007 में सहरसा में मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, 2011 में डुमराव में वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय, वर्ष 2012 में पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री कृषि विश्वविद्यालय, और 2015 में किशनगंज में डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और अब अब्दुल कलाम साहब के नाम पर ही हम लोग अब साइंस सिटी का निर्माण पटना में कर रहे हैं। तो एक एक काम जरा देख लीजिए, जो जो काम हम लोगों ने किया हम कितना बताएं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति थी जी, क्या हाल था, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था उसमें कहां लोग जाते थे, 1 महीने में 39 मरीज। और हम लोगों ने उसका आकलन करके जो काम किया, दवा मुफ्त में देना और सब इंतजाम कराया, तो क्या उसकी स्थिति हो गई है आज। अब एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर औसतन 1 महीने में 10,000 मरीज इलाज कराने के लिए जाने लगे। और 2006 में ही हम लोगों ने लोगों के लिए जो दवा का प्रबंध किया प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के ऊपर तक, और अगस्त महीने में 2006 में उसका उद्घाटन करवा दिए थे, उस समय जो तत्कालीन हमारे माननीय उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत जी, वो अब नहीं है दुनिया में, उनको आमंत्रित किए थे, उनके हाथ से बंटवाना शुरू किया था। ये सब एक एक चीज को लोग भूल जाते हैं, जरा याद करिए। 2006 से जननी में बाल सुरक्षा योजना लागू की गई, आशा कार्यकर्ता तो है ही, रविदास समुदाय की महिलाओं को ममता में चयन किया गया, गांव देहात में रविदास समुदाय की महिलाएं ही लोगों को मदद करती है, जब बच्चा होता है तो उस समय वो जाती है, इसलिए हमने उसी समुदाय से ममता में उनको कितने जगह पूरे बिहार में लोगों को इसमें शामिल करवाया। टीकाकरण का क्या हाल था भाई, पहले टीकाकरण क्या था जरा बताएं, जो बोलते हैं 15 साल राज का मौका दिया गया, टीकाकरण क्या था,
18% टीकाकरण था और अब बिहार में हम लोगों ने टीकाकरण शुरू किया है और हमारा तो लक्ष्य है कि देश के टॉप 5 राज्यों में रहेगा और एवरेज के ऊपर चले गए 86%, 86% टीकाकरण अब हम लोगों का हो गया। और कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया है एक एक चीज आप बताइए। पल्स पोलियो अभियान, जब हम आए थे पोलियो को लेकर के जो इतनी समस्या थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आए, अभी हम शपथ लिए थे 2005 में, एक सप्ताह के अंदर हमने उन लोगों को आश्वस्त किया कि हम ये काम करवाएंगे और डीएम को ऑथराइज किया। पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने डीएम्स के साथ बातचीत की थी सरकार बनने के बाद, और उसी में हमने बताया लोगों को ये काम आपको करना, और ये काम किया गया। बिल गेट्स आ गए थे, दुनिया के सबसे धनी आदमी, खगड़िया के इलाके को देखने गए थे और देख करके कितना संतुष्ट हुए कि पल्स पोलियो अभियान कैसा चल रहा। भूल गए, पल्स पोलियो अभियान चला और पोलियो से मुक्ति मिल गई, 10 से मुक्ति मिल गई पोलियो से, पल्स पोलियो अभियान। और जब हम पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में हमसे पूछा गया कि बिहार में इतना अच्छा काम हुआ, जरा बताइए कैसे किए। एक एक बात हम लोगों ने बताई और किस तरह से हर समुदाय के लोगों को शामिल करके ये काम किया गया। तो शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना काम हो गया। अब आप जान लीजिए जरा हम लोगों का प्रयास हुआ, कुछ फिगर जान लीजिए कि 2005-06 में जहां शिशु मृत्यु दर 1 पर 61 था, शिशु मृत्यु दर, आज जरा हिसाब बताइए क्या करते थे, क्या था, शिशु मृत्यु दर 61 था, अब घटकर 32 हो गया। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 61 था। हम लोगों को यहां काम संभालने के समय, और अब घट करके हो गया 32, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गया। इसका मुख्य कारण है नियमित टीकाकरण, जिसकी चर्चा हमने आपके की कर की। और मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 312 था, अब वर्तमान में घट करके 149 हो गया। और प्रजनन दर तो हम आपको बता चुके हैं, 4.3 से घट करके 3.2 हो गया। तो ये सब काम किया है। एक एक चीज के लिए भी चमकी बुखार, जो AES की बात होती है, तो उसको लेकर के जो हम लोगों ने पूरा का पूरा काम मुजफ्फरपुर से लेकर के उसके इर्द गिर्द जो काम शुरू किया है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनवा दिया। एक एक चीज हम लोग कर रहे हैं इसका। और फिर कोई भी हो, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, उससे बचाव के लिए 24 जिलों में सघन टीकाकरण, और हमने कह दिया है प्रत्येक जिले में सघन टीकाकरण। तो हर चीज के लिए तो हम लोगों ने पूरी संख्या में बहाली, शिक्षकों की, जो क्षमा कीजिएगा, डॉक्टरों की, नर्सों की, चिकित्सीय कर्मचारियों की संख्या में और बहाली करने का हम लोगों का निर्णय है, बहुत बहाली की गई है। और आप जान लीजिए बिहार में कहां कोई होता था, दवा से लेकर के एक एक काम तो हम लोगों ने क्या शुरू किया था। बिहार मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की, दवा लेकर के उसकी आपूर्ति वही करेगा, जो जितने चिकित्सकीय उपकरण की जरूरत है वो सब की वही करेगा, और जितने चिकित्सा से संबंधित जो भी सर्जिकल सामग्री है वो करेगा, और जितने भवन का निर्माण है ये इसके द्वारा किया जा रहा है, ये सब काम शुरू कर दिया। तो एक एक काम आप समझ लीजिए। अब हम लोगों ने तो 3 मेडिकल कॉलेज बना दिया, 7 निश्चय के अंतर्गत हम लोगों का 3 मेडिकल कॉलेज, 5 था उसमें से 2 केंद्र सरकार के सहयोग वाले योजना में शामिल हो गया, 3 और हम लोग करेंगे, और 8 मेडिकल कॉलेज का निर्माण, जिसमें छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी में झंझारपुर निर्माण कार्य जारी है, और सीतामढ़ी जमुई में निविदा निष्पादित की गई है, सिवान एवं बक्सर में प्रक्रियाधीन है। तो इसमें केंद्र सरकार के सहयोग से 8 चिकित्सा महाविद्यालय, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 110 से लेकर के 150 करोड़ रुपए की सहयोग दिया जाएगा, और राज्य सरकार की तरफ से जमीन का और उसके अलावे लगभग 350 करोड़ से लेकर के 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से, ये और उसके अलावे भी 3 और
जो 7 निश्चय के अंतर्गत है। वैशाली में काम प्रारंभ किया गया है, बेगूसराय में प्रक्रियाधीन है, भोजपुर में जगह चिन्हित की जा रही। तो ये सब इतना मेडिकल कॉलेज की स्थापना, तो इसके लिए और जो हम लोगों ने शुरू से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया, लोगों को मदद उसमें पहुंचाई, ये सब एक एक काम किया। कृषि के क्षेत्र में आई, भाई अपने बिहार का क्या है, अपने बिहार में जो स्थिति है आप सबको मालूम है कि बिहार में 89% लोग गांव में निवास करते हैं और 76% लोग कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि का सबसे ज्यादा विकास करना हम लोगों का कर्तव्य है और इसको करते चले जा रहे हैं। इंद्रधनुषी क्रांति की है, अब कृषि रोड मैप बना करके जो हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र का विकास किया, पहला रोड मैप बना 2008 से 12 तक, दूसरा 12 से 17 और तीसरा चल रहा 17 से 22 तक के लिए। ये काम जो हम लोगों ने किया है आप जान लीजिए कि इसमें हमारे गेहूं और चावल और मक्का सबकी उत्पादकता बढ़ी है और चावल गेहूं और मक्का की उत्पादकता बिहार में दुगनी हो गई। अब कृषि की भी बात करेंगे लोग, क्या था पहले जी, क्या उत्पादकता था, क्या उत्पादन था, जमीन तो नहीं ना बढ़ा है, जमीन तो वही ना है, सब जो काम किया जा रहा है सिंचाई से लेकर के एक एक चीज और कृषि के क्षेत्र में, उसके चलते उत्पादकता बढ़ी है। और हम लोगों ने गंगा नदी के दोनों किनारे और एक जिला और नालंदा को शामिल करते हुए 13 जिले में जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा, काम शुरू किया है। मौसम अनुकूल कृषि हो उसके लिए हम लोगों ने काम 8 जिला में शुरू किया और तय कर दिया 30 जिले में। मैंने हर जगह लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि मौसम के अनुकूल कृषि होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उनको करना चाहिए, मौसम के अनुकूल खेती करना चाहिए, ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे इसमें जो 4 संस्थान है, बोरलॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, हम लोगों का बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र पटना, सबको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन 8 जिले में शुरू हो गया है। 30 जिले का भी और हम लोगों ने निर्णय कर दिया है। और इसके अलावे लोगों को बताया जा रहा है जलवायु के अनुकूल जो फसल चक्र होना चाहिए उसका तो प्रेरित किया ही जाएगा, लेकिन आजकल जो एक बीमारी शुरू हो गई फसल अवशेष पराली को जो लोग जो जलाने लगे हैं, इस पर हम लोग प्रेरित कर रहे हैं इसको मत जलाइए, पर्यावरण को खराब करेगा, जमीन को बर्बाद करेगा। तो इसके लिए भी हम लोगों ने अब जो हमारा जल जीवन हरियाली अभियान है उसके अंतर्गत भी सारा काम कर रहे हैं और इससे बचाने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन में सहायक कृषि यंत्रों पर 75% अनुदान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को और 80% अनुदान बाकी लोगों अति पिछड़े जनजाति और अनुसूचित जाति को अनुदान 80% और बाकी लोगों को 75%। इसलिए और हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग कम करिए, बुआई के लिए हैप्पी सीडर और जीरो टिलेज मशीन, फसल अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खेत में बिछाने के लिए रोटरी मल्चर, फसल अवशेष को इकट्ठा करने के लिए स्ट्रॉ रीपर स्ट्रॉ बेलर, फसल काटने में बंडल बनाने के लिए रीपर कम बाइंडर यंत्र, ये सब पर हम लोग ये कमीशन दे रहे हैं और इसके लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। तो हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर किया है और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि पर आधारित उद्योग भी बढ़े उसके लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को स्वीकृति की गई है और इसमें कैपिटल सब्सिडी देने का भी प्रावधान अतिरिक्त किया गया। तो हर प्रकार से आप समझ लीजिए क्षेत्र में सिंचाई का हमारा बात बता चुके हैं, क्या हुआ है सिंचाई के क्षेत्र में 2005 के पूर्व 15 वर्षों में जहां विभाग का कुल व्यय, अब ये पूछिए इनसे सिंचाई पर भी पूछना चाहिए, कुल 15 साल में व्यय जिसमें 10 साल तक हिस्सा झारखंड भी था उसको शामिल करते हुए 15 साल में यानी 90 से लेकर 2000 तक बिहार झारखंड एक था उसको लेते हुए और 2000 के बाद 2005 तक के झारखंड बन गया बिहार, ये कुल मिलाकर के कितना खर्च था 7,115 करोड़ रुपया। और 2005 से अब तक बढ़कर हम लोगों का खर्च कितना हुआ है, इन लोगों का खर्च जो बता दिया 7,115 करोड़,
उसमें झारखंड भी 10 साल था। अब जब हम लोगों को मौका मिला है तो इस 15 वर्ष के अंदर 33,164 करोड़ रुपए यानी 4.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है आपके सिंचाई की क्षमता का सृजन और पुनर्स्थापन के लिए। 90 से 5 तक 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, जिसमें अविभाजित बिहार भी था, सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था। और वहीं 2005 से अब तक 4,06,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। और इस अवधि में 17,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया गया। तो एक एक काम किया गया है। और अभी हमारे बता रहे थे मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात, ताकि लोगों को आगे क्या होने वाला है, वर्षापात ये वो सब के बारे में पूरी जानकारी हो जाए, इसके लिए भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और हर तरह से 72 घंटे पूर्व ही नदियों के जल स्तर और जल स्राव का पुनर्मान तथा रियल टाइम रेनफॉल का पता लगाने के लिए, और इसके बाद जो कुछ भी काम कर रहे हैं हम लोग, आयरन स्टील पाइल लगा रहे हैं। हम तो जाकर के देखा है, अभी जो टूट जाता है बांध, अभी जो नया शुरू किया है सिंचाई विभाग ने, हम धन्यवाद देते हैं मंत्री जी को और इनके सभी लोगों को कि अब जो हम जाकर देखे आयरन स्टील पाइल लगाने का, हम तो देखा है वो नीचे कितना गहरा जाएगा। अगर कोई उसका जो मिट्टी वाला काम है अगर वो टूटेगा भी तो वो तो रोक लेगा पानी, आयरन स्टील जो पाइल का है उसका रोक देगा। तो एक एक काम किया जा रहा है, हर तरह से हम लोग इसके लिए प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी क्षेत्र है, हर तरह से कैसे बेहतर और सिंचाई की क्षमता होगी, और हम तो आगे बताएंगे कि आगे अगर हम लोगों को काम मिलेगा तो उसका लक्ष्य क्या है। और एक बात और जान लीजिए, एक विशेष काम भी सिंचाई विभाग के द्वारा करवा रहे हैं हम लोग, वो है गया शहर में जो विष्णुपद मंदिर है और वहीं पर जो फल्गु नदी है, कितने लोग वहां पर आते हैं, पानी तो सूख जाता है, तो वहां पर 2 फीट पानी सालों भर रहे इसके लिए एक नई योजना, एक रबर डैम बनाया जाएगा वहां, और इस पर खर्च आएगा 266 करोड़ 50 लाख रुपया। इसको भी हम लोगों ने मान लिया है, स्वीकार किया है और इस पर भी काम शुरू। तो किसी भी क्षेत्र में कोई काम करिए, हर तरह से नदियों को जोड़ने का तो हम लोगों का है ही, एक का स्वीकृति मिल गया उसके लिए तो हम चाहते हैं केंद्र सरकार करे, और ताकि नदियों को जोड़ने का भी काम शुरू। और ये सब काम तो हो गया, अब इसके बाद बताइए, हम लोगों ने जो सामाजिक सुधार की बात कही और कहा समाज में सबको अधिकार मिलना चाहिए, हम बोलते रहे न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और उसके लिए जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना, इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू किया। महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, और कितना काम किया गया, महिलाओं को 50% का जो आरक्षण दिया गया, अभी बताइए ना क्या स्थिति बदली है, कहां महिलाएं निकलती थी, और महिलाओं को जो अधिकार है उनमें जो शक्ति है, तो आप जरा सोच लीजिए, देश में पहला राज्य जिसने पंचायती राज संस्थाओं में नगर निकायों में 50% का स्थान महिलाओं को दिया, और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई, और बिहार में स्वयं सहायता समूह नाम मात्र का था, हमने सरकार में पहली बार वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के जो हमने जीविका योजना की शुरुआत की, जीविका समूह, और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जीविका से जुड़ी, हमारा लक्ष्य था 10 लाख जीविका समूह, अब 10 लाख पूरा हो गया, 1,20,25,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं उससे जुड़ गई, और क्या स्थिति हुई है जीविका, कितनी महिलाओं में जागृति आ रही है, हम पढ़ने का काम, महिलाओं को आरक्षण, और उसके अलावे जो जीविका समूह का गठन किया, महिलाओं में कितनी जागृति आई है। और शुरू में तो बहुत चीज किया हम लोगों ने, हुनर एवं औजार का काम किया अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को 20 ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया, औजार कार्यक्रम के तहत टूल किट दिए गए, ये सब काम किया, बाद में अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को जोड़ा गया।
121,700 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। एक एक काम आप देख लीजिए हर प्रकार से कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। महिलाओं के बारे में हम बता चुके, इस बार तो मैट्रिक की परीक्षा में लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां अपीयर हुई, भाग ली। और उसके बाद हम लोगों ने लोगों के घर में लड़की पैदा हो, लोगों को खुशी हो, लड़की के बिना, महिला के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसके लिए हम लोगों ने जो और आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए जो हम लोगों ने महिला कन्या उत्थान योजना शुरू किया, यानी अगर घर में बेटी पैदा होगी तो जन्म पर 2,000 रुपया, एक वर्ष में आधार से वो अपने को जोड़ लेगा उस बच्ची को 1,000 रुपया, और पूर्ण टीकाकरण कर लेंगे तो 2 वर्ष की आयु में 2,000 रुपया। इसके अलावे पोशाक योजना में वृद्धि की, सैनिटरी नैपकिन को 150 रुपया से बढ़ा करके 300 रुपया किया। अब आप समझ लीजिए, और 12वीं पास करने वाली हर महिला अगर अविवाहित है तो 10,000 रुपया इंटर पास करने पर, और अगर कोई ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएट हो गई, तो उसके बाद स्नातक की परीक्षा पास करने पर महिला को, वह अविवाहित हो या विवाहित हो, दोनों स्थिति में सिर्फ इंटर वाले को, उसकी उम्र इतनी नहीं होती है, समय के पहले शादी नहीं करना चाहिए। आप तो जानते हैं हम बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी सामाजिक अभियान चलाया है, इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए अगर 12वीं कक्षा पास करेगी, इंटर पास करेगी कोई भी लड़की, तो उसको 10,000 अगर अविवाहित है, और अगर वो पास कर जाएगी ग्रेजुएशन का, स्नातक की परीक्षा, तो उसको सबको, अगर विवाहित भी है अविवाहित भी है, 25,000 रुपया किस तरह से महिलाओं को दे रहे हैं। एक लड़की जन्म हुई तो जन्म लेने से ग्रेजुएशन होने तक करीब करीब 54,100 रुपये की सहायता। तो हम लोगों ने एक एक काम के लिए, क्या चीज के लिए नहीं सोचा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बताइए, उत्थान केंद्र, टोला सेवक, हम चर्चा कर चुके, टोला सेवक को लगाया गया। महादलित विकास मिशन, उसके अंतर्गत लोगों की सेवा की। और अभी क्या किया, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, हर पंचायत में 5 लोगों को देने के लिए, लोग अपना कोई वाहन खरीदें, उसमें हम मदद 50%, 1,00,000 रुपये तक की सीमा तक हम लोग करने को कर रहे हैं। और उसमें हर ग्राम पंचायत में 3 अनुसूचित जाति जनजाति के हों और 2 अति पिछड़े वर्ग के हों। और आप जान लीजिए, अब हमारा मन हो गया है कि अब इसको 5 से भी बढ़ा करके 7 करेंगे, कि और ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग ये इस परिवहन की योजना का उपयोग करें, वाहन खरीदें और उस पर लोगों को चलाएं। तो ये काम हम लोगों ने शुरू किया। और सिविल सेवा प्रोत्साहन के अंतर्गत क्या हुआ, आप जरा बताइए, जब पहली परीक्षा पास करेगा, अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पहली परीक्षा पास किए, अंतिम देने के लिए तब 50,000, और UPSC में पहला परीक्षा पास की अंतिम देने के लिए 1,00,000 रुपये की सहायता। अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय, ये सब के लिए हम लोगों ने ये काम शुरू करवाया है। तो हर तरह से पूरे तौर पर, और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, यानी 10,00,000 रुपये की सहायता, 5,00,000 रुपया अनुदान और 5,00,000 रुपया मुफ्त में बिना ब्याज के ऋण। तो एक एक तरह का चीज किया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय 10 माने 12वीं कक्षा तक उत्क्रमित किए जाने की स्वीकृति, और आवासन क्षमता 720 होगी। वर्तमान में 37 आवासीय विद्यालयों के नए भवनों का निर्माण विभिन्न चरणों में है, और अनुसूचित जाति जनजाति के पुराने जर्जर छात्रावासों का जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण, 33 पुराने जर्जर पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में से 14 का जीर्णोद्धार और 19 छात्रावासों को तोड़कर उनके स्थान पर नए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास एवं वास स्थल क्रय योजना, जिनका नाम छूट गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में, है अगर जमीन नहीं है तो उसको भी 60,000 रुपया, और अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना से नाम छूट गया है तो उसको मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी हम लोग 1,20,000 की मदद। तो हर प्रकार से जो पहले से
और अब तक जो हम लोग काम कर रहे हैं वही काम अति पिछड़ा वर्ग का बताइए। 20% का आरक्षण पंचायतों में करवाया और अनुसूचित जाति जनजाति का तो हुआ अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%। क्या चुनाव कराए थे 2000 में? किसी को आरक्षण था न? महिला को न अनुसूचित जाति जनजाति को, किसी को आरक्षण नहीं। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने ये सब काम शुरू कराया और कई तरह के काम, और इसके बाद जान लीजिए कई वर्षों के फलस्वरूप राज्य के उच्च न्यायिक सेवा एवं कनीय न्यायिक सेवा में सीधी नियुक्ति में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 21% का आरक्षण, पिछड़े वर्ग के लिए 12%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अति पिछड़े वर्ग के लिए 38 जिलों में 100 आसन वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण की योजना चल रही है। 28 जिला में छात्रावास निर्मित हो चुका है। और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का आपको हम बता चुके, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में भी सबको लाभ, और इसके अलावे हर प्रकार से लोगों को मदद देने के लिए हम लोगों ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए भी अति पिछड़ा वर्ग के लिए वही किया है जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होता था, यानी जिनके परिवार की आमदनी 2.5 लाख तक की है सालाना, उनको भी ये दिया जाएगा जैसे अनुसूचित जाति जनजाति को दिया जा रहा। तो हर प्रकार से, और वास भूमि क्रय करने के लिए 60,000 रुपया इनको भी दिया जा रहा। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मुख्यमंत्री परित्यक्ता सहायता योजना 10,000 की जगह 25,000, हम लोगों ने पहले 10,000 किया था 25,000 कर दिया। अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 100 करोड़ रुपया कर दिया गया है इसके लिए बजट का प्रावधान, ताकि लोग स्वरोजगार के लिए जो अल्पसंख्यक के युवा हैं वो उस पर खर्च करें, रोजगार अपना करें। और आप सबको मालूम है हमने पहले चर्चा किया था भागलपुर में जो दंगा हुआ था ये लोग कुछ नहीं कर पाए थे, हम लोगों ने पुराना जांच किया, केस वेस भी सब कुछ हुआ। इसके अलावे जो पीड़ित परिवार थे आप जान लीजिए, मृतकों लापता व्यक्तियों के आश्रितों को उसी समय 1 लाख रुपए प्रति मृतक लापता के दर से भुगतान किया गया, और मृतक के जीवित आश्रितों को सितंबर 2007 से 2,500 रुपया प्रति व्यक्ति का था, उसको दिसंबर 2013 में बढ़ा करके 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति के दर से पेंशन का भुगतान किया गया। प्रभावित परिवार जिनके मकान दुकान की क्षति हुई है उन्हें मुआवजा राशि दी गई। अब हम पूछना चाहते हैं कि क्या किया भागलपुर के दंगा के बाद, कब हुआ, इतना दिन मौका मिला कुछ नहीं करवा पाए, और हम लोगों को जब मौका मिला उतने समय के बाद, जब 15 साल के बाद हम लोगों को मौका मिला, हम तो जाकर घूमकर लोगों की हालत देखे थे और तब हम लोगों ने ये सब जो काम किया। भूलिए मत, याद करिए, हम लोग सबकी सेवा करते हैं, और ये जो काम किया गया। और उसके बाद अब मदरसा सुदृढ़ीकरण, पहले क्या हाल था जी, संस्कृत के शिक्षक और मदरसा के शिक्षक की कैसी पिटाई हुई थी, भूल गए? और जब हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोगों ने कितना लोगों की सेवा की है, और अब मदरसा के शिक्षकों को क्या मिलने लगा, तनख्वाह वही जो हमारे बाकी टीचर्स को, यह भी कर दिया है हम लोगों ने। और मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, पहले उसके लिए कुछ नहीं था, जो अब हम लोगों ने करना शुरू किया है उनके लिए आधारभूत संरचना के विकास के लिए, शैक्षणिक सुधार के लिए भी सब काम करने के लिए हम लोगों ने योजना बना दी है। क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया में भी खोल दिया है, शिक्षकों को तो समतुल्य वेतन दे ही दिया, और मिडिल स्कूल में ये जान लीजिए पूरे देश में पूरे राज्य में मिडिल स्कूल में उर्दू की पढ़ाई के लिए उर्दू के शिक्षकों के नियोजन का हमने पहले निर्णय किया। इधर उधर कई चीजें फंसी रहती हैं, अब फिर कम से कम उसमें सब लोगों को उर्दू शिक्षकों को बहाल करके सब लोगों को उर्दू भी पढ़ाया जाएगा। बिहार के लोगों को, बहुत लोगों की इच्छा होती है उर्दू भी पढ़ने की, और यहां पर नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने किया, वो तो पहले ही अपने पहले कार्यकाल में हमने तय किया। अब उसके बाद इस पर काम करते करते
ये बात हुआ है कि अब 16,832 उर्दू के शिक्षकों का नियोजन किया जा रहा है। और वक्फ विकास योजना, वक्फ बोर्ड है, अब उसके जमीन पर हम लोग पूरे राज्य में जितना जगह पर वो करेंगे सब जगह वक्फ का विकास करेंगे। बहुउद्देशीय भवन जिसमें मुसाफिर खाना, शादी का भवन, व्यावसायिक भवन, दुकान, मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। आप समझ लीजिए मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, पटना के दो स्थलों पर कार्य किया जा रहा है। और साथ ही जान लीजिए अंजुमन इस्लामिया भवन जो ऐतिहासिक भवन है, यहाँ पर कितनी मीटिंगें होती थी आज़ादी के पहले भी, सोशलिस्टों की सब मीटिंग वहीं, तो हम लोग तो जानते हैं। और इसलिए वहाँ पर अब क्या हो रहा आप सबको पता होना चाहिए, अंजुमन इस्लामिया भवन का निर्माण चल रहा है 41,40,000 रुपये की लागत से, राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और जितने जिले हैं हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय उच्च विद्यालय की स्थापना ये हम लोग करा रहे हैं। अभी एक जगह काम शुरू हो गया दरभंगा में, बाकी कई जगहों का जमीन मिल गया, वहां पर काम शुरू होगा। अभी किशनगंज, समस्तीपुर, पूर्णिया, जमुई तथा मधुबनी में भूमि चिन्हित कर ली गई है ये सब काम। और हम पहले बता दिए मौलाना मजरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय के भवन का भी निर्माण करा दिया गया। आप सबको मालूम है विश्वविद्यालयों में उर्दू को बढ़ावा देने हेतु विश्वविद्यालयों में उर्दू के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 102 पदों पर बीपीएससी द्वारा बहाली कर सेवाएं विश्वविद्यालयों को सौंप दी गई। जो पूछना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, हम तो इतना बता रहे, अब अल्पसंख्यकों के लिए भी बता रहे हैं कि ये सब काम किया। अब आप सब लोगों को जानना चाहिए, और हमारे जो महान विभूति हैं स्वर्गीय मौलाना मजरुल हक, स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी, स्वर्गीय गुलाम सरवर भवन का निर्माण हम लोगों ने करवाया, और उसके बाद सूफी संतलों के कार्यस्थलों पर हम लोगों ने मदद करने की कोशिश की है। मनेर शरीफ में खानकाह मुजीबिया, खानकाह मुनीमिया, खानकाह तकिया शरीफ, कच्ची दरगाह, खानकाह इमादिया पटना साहिब जो मंगल तालाब के बगल में है, और राजगीर में जो मखदूम साहब के नाम पर मखदूम कुंड है उस भवन का। तो जहां कहीं भी हम लोगों को मौका मिला है हर हिस्से की सेवा करने की कोशिश हम लोगों ने की है। और सबके लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, 22 लाख लोग अब लाभ लेने लगे, कोई भी आमदनी हो परिवार की सबके लिए पेंशन की योजना की शुरुआत हम लोगों ने करा दी है। अब तक 22 लाख लाभुक इसका लाभ लेने लगे हैं। और उंगली का निशान जो हम पहले बोल दिए हैं, दूसरे मामले में बायोमेट्रिक सत्यापन सफल नहीं होने की स्थिति में भौतिक सत्यापन की सुविधा भी दी गई उन लोगों का, उसका दिक्कत हो रहा था, तो बाकी कोई बचे हैं तो इसके माध्यम से भी काम किया जा रहा। अब ये तो बाकी सब चीजों के बारे में, चाहे आज की जो स्थिति है कोरोना वायरस का, या हम लोगों के यहाँ जो एक आपदा की स्थिति है, फ्लड की स्थिति है, बाढ़ और असमय वर्षापात, विधि व्यवस्था, आधारभूत संरक्षण संरचना, चाहे पुल निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, सिंचाई हो, न्याय के साथ विकास हो, सब चीज़ों में समाज के सभी तबके के लिए हम लोगों ने काम किया। और इसको आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यकाल में हमने 7 निश्चय का ऐलान किया, और 7 निश्चय पर कितना तेजी से अमल हुआ है ये आप सबको मालूम है। जो हम लोगों ने जिसका चर्चा की, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 1,02,000 विद्यार्थियों को 1,191 करोड़ का लोन दिया गया है। स्वयं सहायता भत्ता योजना, 4,47,000 युवाओं को 573 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कुशल युवा कार्यक्रम में हम लोग 3 चीज सिखाते हैं, कंप्यूटर पर काम करना सीखे, संवाद कौशल जिसमें बोलने उसको ठीक से आ जाए, और व्यवहार कौशल, ये सब करवा रहे। 10,04,000 लोगों का प्रशिक्षण पूरा हुआ। 321 विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा। और बाकी आप लोगों को बता दिए जो इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की हम चर्चा कर दिए, और जो निर्माण बचा है जमीन चिन्हित कर लिया गया, सब काम चल रहा। और उसके बाद बताइए महिलाओं के लिए हमने कहा सरकारी सेवा में 35% का आरक्षण फरवरी 2016 से लागू कर दिया, और ये लागू है महिलाओं को, अब कितनी संख्या में,
और उसके पहले दूसरे कार्यकाल में महिलाओं के लिए हमने 35% पुलिस के नियुक्ति में किया था। कितनी संख्या में पुलिस बल में महिलाएं शामिल हुई है लोग जरा देखें, और कितना काम हुआ है समाज की आधी आबादी के विस्तार विकास के लिए, तभी समाज का पूरा विकास होगा। ये सब काम जो किया गया, तो अब आप जान लीजिए कि हर तरह से काम करते हुए हम लोगों ने उसके बाद जो था 4 और जो 7 निश्चय में हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, हर घर तक बिजली का कनेक्शन वो तो पूरा हो गया पहले ही, और हर घर में शौचालय का निर्माण जो एक केंद्रीय योजना भी थी। तो अब जरा हर घर नल का जल का काम जान लीजिए, अब हर घर नल का जल का काम कितना दूर तक पूरा हो गया। बीच में कोरोना के चलते जो तकलीफें आई हैं उसके बावजूद आज क्या स्थिति, आप जान लीजिए। नगर विकास और आवास में 7 निश्चय के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाले कुल वार्डों की संख्या है 2135। बाकी के वार्ड में अमृत योजना है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण का क्रियान्वित है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत 185 वो अलग है। इसमें अभी अमृत योजना के लिए भी अब पैसा आ गया है और वो करीब 817 वार्डों में होगा वो अलग। लेकिन 7 निश्चय में हर वार्ड में हर घर नल का जल, उसमें 2135 वार्ड है और काम पूरा हो गया है 1431 वार्ड। जो बचा हुआ है शहरी वार्ड में इसको इसी साल आश्वस्त किया है नगर विकास विभाग में कि इसी साल हम अक्टूबर तक शहरी क्षेत्र में भी जो 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल जो 2135 वार्ड में होना है 1421 वार्ड में हो गया, बाकी का भी काम पूरा कर देंगे। अब पंचायत में 2 हिस्सा था, एक है गुणवत्ता प्रभावित इलाका, उसको दिया गया था हम लोगों ने पीएचईडी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को, लेकिन किसी पंचायत के कुछ वार्ड गुणवत्ता प्रभावित हैं और कुछ वार्ड गुणवत्ता प्रभावित नहीं है। फिर भी हमने कहा कि पीएचईडी के माध्यम से ही उस पूरे पंचायत का काम करे और बाकी के जो पंचायत हैं उसको वार्ड को अधिकार दिया गया कि वो उस काम को पूरा करे। तो अभी पंचायतों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग गुणवत्ता गैर गुणवत्ता प्रभावित कुल वार्ड की संख्या है 56,079, पूरा जो हो गया है काम 32,422 और जहां काम प्रगति पर है वह 23,381। इसमें जो हम लोगों ने बिहार विकास मिशन की बैठक की थी इसी बार अगस्त में 27 अगस्त को, तो उसमें लोगों ने बिहार विकास मिशन की बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने आश्वस्त किया है कि इसी साल बाकी काम को अक्टूबर तक हम लोग पूरा कर देंगे। अब जो रुका हुआ काम है, जहां काम नहीं शुरू हुआ है उसमें है कोरोना प्रभावित वार्ड है 52 जहां काम ही नहीं हो पा रहा, बोरवेल फेलियर के कारण काम शुरू किया बोरवेल फेल कर गया वो है 80 और साइट नहीं मिल रहा कहां से काम शुरू करें उसका 70। तो इस और कुछ काम कोर्ट से कहीं कहीं कुछ रुका हुआ, तो इन चीजों को छोड़ करके बाकी सारे में काम पूरा होगा। इसमें आगे जो हमने बता दिया लगेगा और पंचायती राज विभाग के द्वारा 58,662 वार्ड, उसमें से 58,209 वार्ड में काम पूरा हो गया, यानी क्रियान्वित होने वाले वार्ड है 18,209 और कुल कार्य पूर्ण वार्डों की संख्या हो गई 55,180 जहां कार्य जारी है वो 3,029। ये काम इन लोगों ने वचन दिया है पंचायती राज विभाग ने कि इसी महीने इस काम को हम लोग पूरा कर देंगे, ये उन्होंने कहा है। और जो रुका हुआ काम है बोरिंग फेल होने के कारण 239 वार्ड और इसके अलावे 164 ऐसे वार्ड हैं जहां कोई आबादी नहीं, वार्ड है लेकिन कोई आबादी नहीं है, तो ऐसे 164 वार्ड में कुछ होना नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए हम लोगों ने जो वादा किया वो किस हद तक पूरा कर दिया। हर घर नल का जल कोई कल्पना नहीं कर सकता है और हम सबको तो अनुरोध करते हैं कि सिर्फ पानी पीजिए, नल के जल को इधर उधर दुरुपयोग मत करिएगा।
तो ये हुआ। और उसके बाद हर घर पक्की गली और नाली का निर्माण, कुल वार्ड की संख्या नगर विकास आवास में 3340, अब तक काम पूरा हो गया 2325 और शेष काम वार्ड में ये 2020 तक पूरा कर देंगे अक्टूबर महीने तक। पंचायती राज विभाग में कुल वार्ड की संख्या है 1,14,691, काम पूरा हो गया है 1,13,915 वार्ड में, काम जारी है 6,612 वार्ड में और 164 वार्ड है जहां तो कोई रहते ही नहीं, वहां कोई काम होना नहीं है। तो बाकी ये सब जो बचा है उसका काम 2020 तक पूरा हो जाएगा पंचायती राज में। अब टोला संपर्क योजना भी आपको बता दिए, लगभग पूरा हो गया है, थोड़ा सा 146 टोला 186 बचा है, उसको ये भी काम पूरा कर देंगे बहुत जल्दी, ये बात बता दिए हैं। और अब हम 250 से अधिक आबादी वाले टोलों और बसावटों को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है। ऐसे 9,143 योजनाएं ली गई जिसमें 3,799 योजनाएं पूरा हो गया, शेष पर काम जारी। तो अब देख लीजिए, हर घर नल का जल किस हद तक पूरा हो गया, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण यह भी हमने आपको बता दिया, और शौचालय निर्माण का काम पूरा हो गया है। और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने आश्वस्त किया है कि 15 अक्टूबर तक सभी को शौचालय निर्माण के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। और हमने कहा है कि बापू की जयंती 2 अक्टूबर उस दिन तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, और ऐसा लोगों ने कहा है कि ये हो जाएगा। और शहरी क्षेत्रों में जो शौचालय विहीन परिवार हैं उनके लिए जो सामूहिक शौचालय बनाया जा रहा है, शौचालय बना के एक एक परिवार को एक एक शौचालय का चाबी दे दिया जाएगा, वो 2500 सामुदायिक सामूहिक शौचालयों का निर्माण काम जारी है। और एक बात हम बराबर लोगों को बताते रहते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल गई और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल गया तो आज जितनी बीमारी लोगों को होती है 90% बीमारी से पीड़ित लोग नहीं होंगे, बच जाएंगे। आज जितनी बीमारी होती है उसका 90% खत्म हो जाएगा अगर सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति। तो अब शौचालय बन गया तो हम आग्रह करेंगे सब लोगों को कि बाहर जाके शौचालय शौच करने की आदत है, अब घर के शौचालय में ही करिए। एक आध दो दिन आपको दिक्कत लग सकता है लेकिन ऐसा मत करिए, बाहर करते हैं उसका पर्यावरण पर असर पड़ता है, कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती, इसलिए खुले में शौच से मुक्त हो जाना चाहिए, ये हम सब लोगों को कहेंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या शुरू किया, पर्यावरण को देखते हुए क्या स्थिति हो रही है, पर्यावरण का कितना असंतुलन हो चुका है, किस तरह से कभी तेज वर्षा कभी बिल्कुल सूखा की स्थिति हो जाती है, और किस तरह से कैसी कैसी स्थिति वज्रपात यानी ठंड का ओलावृष्टि, किस तरह की स्थिति, कभी इतना वज्रपात होता था, इतनी ओलावृष्टि पहले होती थी, अब आजकल किस तरह से पर्यावरण का संकट आया। हम लोगों ने पिछले वर्ष ही सर्वदलीय मीटिंग हमारे स्पीकर साहब ने सबकी बैठक बुलवाई थी और सब लोगों के सामने ये बात रख करके हम लोगों ने तय किया था 13 जुलाई 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान और मिशन मोड में 11 हम लोग काम इसमें रखे हैं, सार्वजनिक पोखर तालाब आहार पइनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना, सार्वजनिक पोखर तालाबों आहार पइनों का जीर्णोद्धार करना, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करना, सार्वजनिक कुओं और चापा कलों के किनारे सोखता का निर्माण, वो पानी इधर उधर नहीं जाए, सोखता बन जाने से वो पानी जमीन के नीचे जाएगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, छोटी नदियों जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन और गंगा जल उद्वह योजना, बोध गया गया राजगीर नवादा, अब बताइए बोध गया गया ज्ञान की भूमि निर्वाण की भूमि, राजगीर कितने लोग जाते हैं, बीच में नवादा, अब ये सब जगह पर तो जल का जो संकट है उसको देखते हुए गंगा जल का पानी वहां पहुंचाया जाएगा, बरसात के दिनों में गंगा जल का पानी
वहां 2-3 जगहों पर सुरक्षित रखा जाएगा और पूरे साल प्रतिदिन अच्छी खासी मात्रा में लोगों को जलापूर्ति दी जाएगी। और इस पर काम शुरू हो गया, काम जो शुरू हुआ है मुकामा के पास गंगा नदी के किनारे हम देख करके आए हैं और एक एक हम बार बार उसका रास्ता देखते हैं, किस रास्ते से जाएगा, कहां पर पानी का संग्रहण होगा। ये काम शुरू हो गया है तेजी से, तो इसके लिए भी काम चल रहा है। और इसके अलावे आप सब जानते हैं जल संरक्षण के लिए चेक डैम का संरचनाओं का निर्माण, सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा का जो पानी आता है उसके ऊपर से उस पानी को ले जाकर के जमीन के नीचे पहुंचाता रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे क्या होगा भूजल स्तर ऊंचा होगा। ये सब एक जल से लेकर के, और उसके बाद वृक्षारोपण, नाम क्या हमने दिया, जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी अगर जल और हरियाली है तो बीच में जीवन जीवन सुरक्षित है, इसलिए इसका नामकरण है जल जीवन हरियाली। तो जल के लिए ये काम, भूजल स्तर को कायम रखने के लिए, और दूसरा चीज उसके लिए हरियाली के लिए, तो हरियाली पर तो हम पहले ही से काम शुरू किए। झारखंड अलग हो गया था, यहां की क्या स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी, तब से हम लोगों ने वृक्षारोपण का काम किया, मिशन मोड में हरियाली मिशन का काम शुरुआत किया, करीब करीब 20 करोड़ पौधा रोपण किया और अब हम लोगों ने इसको जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा। और क्या लक्ष्य रखा था, इस साल हम लोग इसको करेंगे 9 अगस्त को, पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं बिहार में, 9 अगस्त तक 2,51,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। और जान लीजिए 5 जून से शुरू किया गया और इस रोज तक 9 अगस्त तक कितना पेड़ लग गया, 2,51,00,000 का लक्ष्य था, 3,47,00,000 वृक्षारोपण हुआ। तो ये हम लोगों का 8वां आइटम है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, मौसम अनुकूल कृषि जिसकी हमने चर्चा कर दी, और हर घर बिजली पहुंचा दी गई है, अब सौर ऊर्जा के उपयोग पर जोर है। और इसके अलावा 11वां है जल जीवन हरियाली अभियान, लगातार लोगों के बीच में, कल भी हम मीटिंग करने वाले हैं हर जिले के साथ बैठ करके, इस सिलसिले में भूलना नहीं है। तो इसके लिए सबको जल की रक्षा हरियाली की रक्षा हम लोगों को करनी है, जीवन की रक्षा के लिए मनुष्य हो पशु पक्षी हो जीव जंतु सबकी रक्षा इससे होने वाली है। तो ये सब काम कर किया जा रहा और इस कार्य के लिए हम लोगों ने राशि निर्धारित कर दी है 24,524 करोड़ रुपए। तो ये जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे, और जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में जो हम लोगों ने पूरे बिहार में दौरा किया और उसके बाद रखा कि 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी, तो कितनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी, 5,16,00,000 से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। मैं लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और उसके अलावे उसको दूसरे रूप से देखिए तो 18,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला दुनिया में कहीं हुआ है, आप बताइए, जल जीवन हरियाली के लिए। और उसके साथ नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, तो ये सब कितने बड़े पैमाने पर समाज सुधार के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों ने काम किया। लोग किसी को कोई ज्ञान नहीं है, वो कहता है क्या करते हैं, जरा देख लीजिए क्या करते हैं। और जो जल जीवन हरियाली अभियान के सिलसिले में हम लोगों के बीच में गए हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोगों को हमने देखा है भागीदारी, बात सुनने के लिए, हमने उतनी बड़ी संख्या में लोगों को नहीं देखा, इतनी बड़ी संख्या में लोग, इतनी जागृति आ रही है, तो लोगों की जागृति को लोग समझ नहीं रहे, क्या इतना बड़ा काम हुआ, इसका प्रचार हुआ है बिहार को छोड़ करके बाहर में, आप जरा बताइए अगर कहीं दूसरी जगह इस तरह का काम हो उसका कितना बड़ा प्रचार होता। कुछ लोगों को भाई कितना भी काम हम लोग करें नफरत है, शराबबंदी लागू किया, बहुत तरह का कुछ लोगों को नफरत है, तो कई प्रकार से लोगों को परेशानी होती, लेकिन हम लोग तो काम करते रहेंगे।
और समाज सुधार के लिए भी करेंगे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी करेंगे। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और आप जान लीजिए कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत हम एक जानकारी आप सब लोगों को दे देना चाहते हैं कि सिर्फ अभियान नहीं, मिशन मोड में काम हो रहा है। आप जान लीजिए 14,171 जल स्रोतों जैसे तालाब, पोखर, आहर, पइन आदि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 14,171 जल स्रोतों को, तालाब, पोखर, आहर, पइन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। 5 एकड़ से बड़े 824 तालाब, 5 एकड़ तक 5,399 तालाब, 11,712 आहर पइन का जीर्णोद्धार कराया गया। 10 अगस्त 2020 को जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जो काम किया उसकी योजनाओं का हमने उद्घाटन किया। 1,093 योजनाओं का काम पूर्ण हुआ जिसमें 4,708 तालाब पोखर, 366 आहर पइन, 18 चेक डैम, 1 उद्भव सिंचाई योजना। इसके अलावा 8,414 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है। कुओं के पास 6,162 तथा चापाकल के पास 1,40,189 सोखता का निर्माण कराया गया। जल संरक्षण हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1,890, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 18 तथा जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में वन विभाग के द्वारा 4,470 चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण कराया गया। अब आप सोच लीजिए, कोई काम हम लोग करते हैं सिर्फ घोषणा नहीं है, बात नहीं है, नारा नहीं है, सही दिशा में काम का क्रियान्वयन है। इसलिए हमने कुछ चीजों को आपको बता दिया। अब आप समझ लीजिए, नए जल स्रोतों का सृजन भी किया जा रहा है। रैयती भूमि पर मनरेगा, कृषि विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा 5,540 तालाब का निर्माण किया गया। तो गंगा जल उद्भव योजना के बारे में हम आपको बता चुके हैं और आप जान लीजिए, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हमने की, सरकारी भवन के छत पर जो पानी है उसको नीचे तक लाने के लिए, जमीन के नीचे वो जो हम लोगों ने काम शुरू किया, छत वर्षा जल संचरण संरचनाओं का निर्माण, 2,821 सरकारी भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम पूरा किया गया और पौधारोपण का काम हम आपको बता दिए कि 3,47,00,000 हो गया है और मौसम अनुकूल कृषि का भी बता दी, 8 से शुरू किया है, अब 30 जिले के लिए भी हम लोगों ने बाकी शेष जिलों के लिए 238 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत कर दी है और 547 भवनों पर सौर ऊर्जा की सुविधा स्थापित की गई और यह अभियान लगातार जारी। तो जल जीवन हरियाली अभियान का भी काम हम लोगों ने ये जो किया है, इस बात को जान लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी बिहार के लिए, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, केंद्र ने भी बिहार के लिए कई योजनाएं चलाई है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो भी हम लोगों ने बता दिया, एलपीजी कनेक्शन उसके बारे में 80 लाख परिवारों को जो हमने कहा कि उसके लिए 3 महीने तक लोग उसको देख दे रहे हैं मुफ्त में गैस सिलेंडर, आयुष्मान भारत में लोगों के इलाज के लिए सरकार की तरफ से पैसा देना जिसकी सीमा है 5 लाख रुपए तक एक साल में एक परिवार को देना, बिहार के 1,08,00,000 परिवार निबंधित किए जा चुके हैं। और फिर पीएम किसान योजना, इसके अंतर्गत हर किसान को, जो 2 हेक्टेयर तक वाले किसान हैं उनको जो 6,000 रुपया 3 किस्त में देने का हर एक 4 महीने पर प्रावधान है, 6 किस्तें दी जा चुकी है। बिहार के 72,29,000 लाभार्थियों को 5,881 करोड़ की राशि का भी भुगतान किया गया। तो अब बताइए, राज्य की तरफ से भी काम, केंद्र की तरफ से भी काम और पुल, सड़क और पुल आदि के क्षेत्र में जो हम बराबर बताते हैं 50,000 करोड़ रुपए की योजना, तो ये सब काम हो रहा। तो हम लोगों का मकसद क्या है? हम लोगों का मकसद है विकास, न्याय के साथ विकास, और ये सब पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। और 15 साल का लोगों ने मौका दिया और इस बीच में कहां से कहां पहुंचाए हैं बता दीजिए,
और नई पीढ़ी के लोगों को एक एक बात की जानकारी देना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना चाहिए। अब आप जान लीजिए, कुछ लोग तो बोलते रहते हैं आजकल नियुक्ति का भी बात, एक रोज देखा कि अखबार में क्या है भाई नियुक्ति का। 2090 से 2005 की अवधि में, जिसमें 10 साल झारखंड बिहार एक था, 10 साल अब 5 साल बिहार अलग हुआ, उसको मिला करके इन लोगों के राज में क्या हुआ, कितने लोगों को कुल मिलाकर के नौकरी मिली, 95,734 शिक्षक का 33,499, सिपाही, अवर निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अन्य वर्दीधार पदों पर नियुक्तियां 9,198 और विभिन्न आयोगों के माध्यम से अन्य सेवा में नियुक्तियां 53,037, यानी कुल मिलाकर के 95,734 15 साल में, जिसमें 10 साल झारखंड भी शामिल था, ये हुआ। और हम लोगों को जब मौका मिला है बिहार में, तब कितना काम हुआ, कितने लोगों को मिल गया। अभी हमने तुरंत यूं ही कुछ डिपार्टमेंट, इसमें तो अभी और निकलेगा, हो गया 6,08,893 लोगों को, यानी शिक्षक में 3,98,000, सिपाही, अवर निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अन्य में 51,241, विभिन्न आयोगों के माध्यम से अन्य सेवाओं में नियुक्तियां 1,59,652, यानी 6,08,893 हम लोगों के टाइम में, इनके टाइम में 10 साल झारखंड बिहार एक था तब, मिला करके कितना, तो कितना गुना हुआ है? आप जरा बता दीजिए, लोग बोल रहे हैं कितना काम हो रहा है। और अभी हमने बता दिया आपको कि किस तरह से जो काम हो रहा है, ये लॉकडाउन जो लागू हुआ उस समय से पीरियड से अभी तक जो शुरू हुआ, जो काम किया जा रहा है, 10-10 लाख लोगों को रोज काम मिल रहा औसतन, तो कितनी चीजों के बारे में हम चर्चा करें, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी। और एक बात जान लीजिए, अभी तक जो मौका मिला हम लोगों ने काम किया, सेवा किए, खिदमत किए, और हम बता देते हैं आगे भी अगर मौका मिलेगा तो अच्छी तरह आप जान लीजिए कि आगे के बारे में हम लोगों ने सोच लिया है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। और एक बात और सोचा है कि हम हर गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, लेकिन अब कई गांवों को जोड़ते हुए कभी एक तरफ स्टेट हाईवे है, कहीं नेशनल हाईवे है, उस तरह का रास्ता बनना चाहिए, उसका सर्वेक्षण शुरू करा दिया है हमने। अगर अगली बार मौका मिलेगा तो ग्रामीण अंचल में भी वैसे सड़कों का भी निर्माण, और शहरी और सब तरह के लिए तो बता ही दिए हैं कि 5 घंटे के अंदर दूर दराज इलाके से, दूर दराज इलाके से पटना पहुंचने में लगना चाहिए, वो काम पूरा हो जाएगा। और इस तरह से और कई काम करेंगे, लेकिन हम ये दो बात हम आपको बता दे रहे हैं कि जब मौका मिलेगा हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। और आप अच्छी तरह जान रहे हैं जो कुछ भी हम लोगों को अवसर मिला है, समाज सुधार के लिए भी हम लोगों ने काम किया है, शराबबंदी की बात हम करते रहते, अब नशा मुक्ति तक हमने उसकी चर्चा कर दी। हम सिर्फ आपको बता देना चाहते हैं कि जो लोग गरीब परिवार, कुछ लोग बोलते रहता है ना गरीब परिवार इसी में जुड़ा रहता था, ताड़ी में या शराब में, उसको चिन्हित करके हमने सतत जीविकोपार्जन योजना, यानी उसका और दूसरे जो गरीब परिवार है जो बिल्कुल किनारे पर थे, उन लोगों को हम लोग मदद करेंगे 60,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक कोई भी योजना के लिए वो काम करें। और जान रहे हैं इसमें जो शराब और ताड़ी से जुड़े हुए परिवार थे, लगभग 18,319 परिवार को पारंपरिक रूप से जो देसी शराब ताड़ी की व्यवसाय से जुड़े थे उसमें हम लोगों ने सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जोड़ दिया, और बाकी अन्य गरीब गुरबा लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है, यानी 1,01,551 परिवारों का चयन किया गया और उनको काम। हम तो जहीं भी जाते हैं हम देख रहे हैं और उससे पूछते हैं, इतना खुश होकर के महिलाएं बोलती है कि हमारे घर में शराब और ताड़ी का था, अब इतना बढ़िया काम है, पूछते थे कैसा चल रहा, कहा बहुत अच्छा, इतनी प्रसन्नता लोगों के मन में देखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं भाई, अब एक बात जान लीजिए,
हम जब तक हैं छोड़ने वाले नहीं हैं। महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू हुआ है, भूल जाते हैं, युवाओं की मांग पर हुआ है, और ये जो शराबबंदी है इसको हर सूरत हाल में बनाए रखेंगे। कुछ लोगों की नाराजगी हमसे होती है, हमको उसकी चिंता नहीं है। ये समाज सुधार का काम है। और कितने लोग पकड़ाते हैं, कितना भी काम करिएगा, कुछ परसेंट तो आदमी ऐसा होता ही है भाई, कुछ परसेंट आदमी तो गड़बड़ करने वाला होगा ही, सरकार में भी, सरकार के बाहर भी, सब जगह तो कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन पकड़ाता भी है। 251,111 मामले दर्ज किए गए, कितने लोगों को सील किया गया है, 2216 प्राइवेट घर, 429 व्यावसायिक भवन को सील किया गया, 386 प्राइवेट घर, 138 व्यावसायिक भवनों को जब्त किया गया, हर तरह की कार्रवाई हो रही है। कितना देसी शराब, कितना विदेशी शराब, 78,00,000 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया, सब तरह का काम किया गया है। और अगर कोई सरकारी सेवा में है, काम नहीं कर रहा है, गड़बड़ कर रहा, तो आप जान लीजिए शिथिलता बरतने वाले पुलिस और उत्पाद विभाग के कर्मियों में शिथिलता के लिए 541 कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई, 322 पर प्राथमिकी दर्ज, और 159 लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है। ये सब चीज हम लोग छोड़ने वाले नहीं। हमने तो कह दिया कि भाई प्रतिदिन बैठ करके इससे रिलेटेड सब लोग देखिए कहां क्या है और सब तरह की कार्रवाई करिए, तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और शराब के बारे में तो हम बराबर बताते हैं, बहुत बुरी चीज है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में प्रकाशित किया था कि कितनी बुरी चीज है, कितनी बीमारियां इससे फैलती है, और शराब पीने के कारण इस दुनिया भर का उन्होंने आकलन करके 18 में जो प्रकाशित किया था, शराब पीने के कारण जितने लोगों की मृत्यु होती है दुनिया में उसका 5.3% शराब पीने के कारण, और 20 साल से लेकर के 39 साल की उम्र तक वालों में शराब पीने के कारण 13.5% की मृत्यु होती है, जितने लोगों की दुनिया भर में मृत्यु होती है औसत। तो ये सब के चलते हम तो एक एक को कहते हैं, और कितनी गंभीर बीमारियां फैलती हैं इससे, यानी टीबी, एचआईवी, एड्स, मधुमेह से होने वाली मृत्यु से भी अधिक बीमारी है, हर प्रकार का है। आत्महत्या जो लोग करते हैं, जितनी आत्महत्याएं होती है, 18% दारू पीने के कारण आत्महत्या, आपसी झगड़े का 18%, आपस में झगड़ा भी करेंगे दारू पीने के चक्कर में, सड़क दुर्घटनाओं में 27%, मिर्गी के 13% मामले शराब के सेवन के कारण। तो इन सब चीजों का तो हम लोग बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं, और आप जानते हैं हम सब राष्ट्रपिता से, बापू से प्रभावित होंगे। एक एक बात उन्होंने क्या कहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भी कहा था, पूरे तौर पर शराबबंदी लागू करो। कुछ राज्यों ने शराबबंदी लागू किया, कुछ ने लागू किया वापस कर दिया। हम लोग तो बापू से प्रेरित हैं इसलिए यहां पर शराबबंदी लागू किया है। कुछ लोग नाम लेंगे सिर्फ बापू का, महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता का, और काम उनके विपरीत करेंगे। मौका मिल जाता है, नाम लीजिएगा बापू का, लेकिन बापू की कोई बात नहीं मानिएगा। बापू ने क्या कहा, शराबबंदी की बात की है, और महिलाओं के और युवाओं की मांग पर हम लोगों ने इसको लागू किया, और किस तरह से बापू के विचारों को हम लोगों ने प्रचारित किया, और किस तरह जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसका 100वां साल जो हम लोगों ने किस तरह से मनाया, आप सबको मालूम है 10 से 11 अप्रैल 2017 तक नव निर्मित ज्ञान भवन, उसका उद्घाटन भी उसी से हुआ था, उसी कार्यक्रम से राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया गया। देश भर के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, 95 साल 98 साल पुरुष स्त्रियां कहां कहां से, दूसरे प्रांतों से हम लोगों ने आमंत्रित किया और यहां पर सबको सम्मानित किया। उस समय के राष्ट्रपति प्रणब बाबू अब जो नहीं रहे, हम सब लोग शोकाकुल हैं, उनके प्रति अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन वो आए थे। और जो दुनिया भर के, देश भर के जो हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाया था, और उसके बाद जो काम किया, यही नहीं कि सिर्फ वो करना, और 150वां साल जो उनकी जयंती मनाई गई 150वें साल,
सिर्फ वही नहीं, हम तो उसको करते हुए जो सब काम तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया, हम नई पीढ़ी के लोगों को बापू का विचार पहुंचाना चाहते। और किताब दो किया गया है, कथा वाचन करवा रहे हैं हम लोग, जयप्रकाश जयंती जी के, जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश जयंती के अवसर पर 11 अक्टूबर 2017 को हमने इसकी शुरुआत की थी, गांधी कथा का वाचन किया था बच्चों के बीच में। अब दो किताब हुआ है, बापू की पाती, इसको तीसरे क्लास से आठवें क्लास के बच्चों के बीच में, और एक था मोहन, नौवें क्लास से लेकर के बारहवें क्लास के बच्चों के बीच में पढ़ाया जाता है। हर दिन सुनाया जाता है बापू का क्या विचार है, बापू ने क्या कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो उनकी बातों को नई पीढ़ी को हम लोग सुनवा रहे हैं, और मेरा पूरा भरोसा है कि अगर बापू की बात को 10-15% भी नई पीढ़ी के लोगों ने स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, किसी तरह का संकट नहीं आएगा, कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। लेकिन आजकल तो लोग अपने को, बहुत लोग क्या नहीं कहते हैं और किस तरह का धंधा करते रहते हैं। बापू ने क्या कहा था, 7 सामाजिक पाप हम हर स्कूल, हर सरकारी संस्थान, सब जगह पर हम इसको पहुंचा करके वहां पर लिखवाया है। क्या कहा था 7 सामाजिक काम बापू ने, सिद्धांत के बिना राजनीति, राजनीति करते हो सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है, धन से मतलब है, सिद्धांत से नहीं। बहुत लोगों को राजनीति में धन से मतलब है, हम लोगों को सिद्धांत से मतलब। तो सिद्धांत के बिना राजनीति, बापू ने कहा था सामाजिक पाप, 7 सामाजिक पाप। पहला है सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, बिना मेहनत किए बिना काम किए धन पैदा करना। बहुत लोग तो बिना काम किए, अभी हमारे ललन बाबू कुछ बता रहे थे, जरा बताइए कहां से धन आया भाई, कहां से धन आया, केस वगैरह चलता है। 7 थे, हमने कहा एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे, हम हट गए, किनारे आ गए, जो भी बोलना है बोलिए, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमको किसी की परवाह नहीं है। लेकिन काम के बिना धन, बापू के मुताबिक सामाजिक पाप है, 7 सामाजिक पाप का हिस्सा। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, विवेक नहीं है तो सुख क्या है, चरित्र के बिना ज्ञान। बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं लेकिन चरित्र नहीं है। आप बताइए, बापू की बात को लागू करवा रहे हैं शराबबंदी, अपने को ज्ञानी समझते हैं लेकिन भीतर से हम पर कितना कुछ लोग हैं ऐसे, कैसा नाराज रहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, चरित्र के बिना ज्ञान, ज्ञान है और चरित्र नहीं है तो पाप है। नैतिकता के बिना व्यापार, व्यापार में नैतिकता होनी चाहिए ना, दो नंबरी धंधा नहीं ना करना चाहिए। मानवता के बिना विज्ञान, और वह विज्ञान जिसमें मानवता नहीं हो, उसकी रक्षा न हो, पर्यावरण की रक्षा न हो, तो मानवता के बिना विज्ञान। और त्याग के बिना पूजा, आजकल बहुत लोग पूजा करते रहते हैं, आप पूजा करते हैं गड़बड़ी हासिल करने के लिए, अरे वो पाप है। त्याग के बिना पूजा का कोई मतलब नहीं, पूजा करते हैं तो त्याग का भाव रखिए। तो ये बापू का 7 सामाजिक पाप। और क्या कह दिया था बापू ने, कि जो पृथ्वी है सबकी जरूरत को पूरा करेगी लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकेगी। तो इस बात को याद रखिए, पृथ्वी को रखना है तो लालच पर मत जाइए, जरूरत के हिसाब से चलिए, समाज सुधार के बारे में सोचिए। और बापू ने जो 7 सामाजिक पाप कहा है, हम यही चाहते हैं। और बापू का जो विचार है, उनका जीवन ही उनका संदेश है, नई पीढ़ी के लोगों को हम तक इसको पहुंचा रहे हैं। तो ये होगा, लोग इसको समझेंगे, लोग इसको अपनाएंगे, तो जरूर समाज आगे बढ़ेगा और पर्यावरण का ही रक्षा होगा। और बापू ने जो कहा,
क्या कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और उसी से प्रेरित होकर के हमने कहा है सेवा ही हमारा धर्म है। मेरा धर्म है, आपने मौका दिया है, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, तो सेवा ही धर्म है। और ये बापू से प्रभावित बात है। तो इसलिए हम आप सब लोगों को कहेंगे कि इन सब चीजों को सोचना चाहिए। और मुझे तो खुशी है भाई, बहुत लोग तो बहुत बात करते हैं आजकल, तो जनता दल यूनाइटेड में अब बहुत लोग आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। 5 MLC आए, 7 MLA आए, कई लोग आए, राधाचरण शाह, कमर आलम, दिलीप राय, संजय प्रसाद, रणविजय कुमार सिंह सब MLC, और MLA में महेश्वर यादव जी, श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, कौन है प्रेमा चौधरी जी, महादलित, चंद्रिका राय जी, कौन है चंद्रिका राय जी, स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र, फराज फातमी साहब, फातमी साहब कितना काम किए भूल गए, और उनके पुत्र, और क्या कह करके उनको पार्टी से निकाल दिया, जयवर्धन यादव, स्वर्गीय रामलखन बाबू के, स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव जी के पौत्र, वीरेंद्र कुमार तेघड़ा बेगूसराय से आए, पूर्व डीजी रहे सुनील कुमार, राजद के राष्ट्रीय सचिव हर्षवर्धन सिंह, राजद के प्रदेश महासचिव मोहम्मद अब्दुल सलाम, मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं जरा जानना चाहता हूं कि भाई क्या व्यवहार हुआ है, स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी के पुत्र हैं चंद्रिका राय जी और इनकी पुत्री, क्या हुआ है स्वर्गीय राय के साथ व्यवहार, कितनी पढ़ी लिखी है, लोग शिक्षा पर बात करते हैं और पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ, ये परिवार का मामला है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कितना दुखद है एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या हुआ, और कौन है, कौन है आप जरा बता लीजिए, किनकी पुत्री है आप जरा कल्पना कर दीजिए, दरोगा बाबू की पुत्री, और रामलखन बाबू का पौत्र जो जयवर्धन है, क्या इन लोगों के साथ किया भाई, भूल गए, दरोगा बाबू ने कितना काम किया, कितना मदद किया था, रामलखन बाबू ने कितनी मदद की थी जिनको, और एक की पौत्री के साथ, एक के पौत्र के साथ क्या भाई, उसको कैसी ऐसी नौबत आई, कौन थे, शिक्षा पर ध्यान दिए, रामलखन बाबू ने कितना इंस्टीट्यूट खुलवाया, याद करिए सबसे बड़ी आबादी, और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने ध्यान दिया, आप बताइए, परिवारवाद चला रहे, परिवारवाद ही सब कुछ है, जिनने आपको मौका मदद किया, और वैसे लोग के परिवार के साथ क्या था, परिवार मतलब खुद का परिवार, इतने बड़े लोगों के परिवार का कोई महत्व नहीं है, तो अपना सोच लीजिए और जान लीजिए, मुझे तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये सब आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, मैं तो इज्जत करूंगा, हमारे पार्टी के लोग इज्जत करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है बिहार के लोग इस पूरी बात को जान करके सब लोगों की इज्जत करेंगे और देखेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात अब समाप्त करूंगा, लेकिन हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब बाबू का निधन हो गया 21 अगस्त को, हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप जरा समझ लीजिए, यहां चर्चा हुई अभिनेता सुशांत जी, स्वर्गीय सुशांत जी, उनकी मृत्यु से सिर्फ परिवार नहीं और सिर्फ बिहार नहीं, हमने देखा पूरे देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए, और किस तरह की बात हुई, जो जांच करना चाहिए था वहां जांच नहीं हो रहा था, उनके पिताजी ने पटना में केस दर्ज किया, तत्काल जांच की कार्रवाई शुरू हुई और उनकी सहमति से CBI को इसको रेफर किया गया 4 अगस्त को, और 5 अगस्त को CBI ने स्वीकार किया, उसकी जांच चल रही, मुझे पूरा भरोसा है CBI की जांच से सब बात सामने आएगा और न्याय मिलेगा, हमको ये पूरा भरोसा है।
तो जो सुशांत जी के साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ एक परिवार की बात नहीं, बल्कि हमको पूरा भरोसा है और उनके प्रति लगाव करोड़ों लोगों का, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का। इसलिए हम लोगों को जब भी जो जांच करने की कार्रवाई शुरू करने का मौका मिला और सीबीआई को इसको भेजने का मौका मिला, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया तो अब न्याय जरूर मिलेगा, इतना हमको पूरा का पूरा भरोसा है। और हमें इसको, हम उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और हमको भरोसा है कि सबको इस बात के लिए न्याय मिलने से संतोष का भाव मन में पैदा होगा। अब एक दुख की बात और है, कोरोना से भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई। एक एमएलसी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सुनील बाबू, सुनील कुमार सिंह जी, उनकी मृत्यु हो गई, विधान पार्षद थे। और पूर्व एमएलसी रविंद्र कुमार तांती की मृत्यु हो गई, जो सुनील कुमार गुप्ता और मुन्ना जनता दल यू के हैं गोविंदपुर फतुमा के, उनकी मृत्यु हो गई। और जो हमारे जो रणविजय सिंह जी हैं पूर्व विधायक, उनकी पत्नी शशि देवी जी की मृत्यु हो गई कोरोना से। खुर्शीद और फिरोज आलम साहब हैं जो हमारे मंत्री हैं, उनकी पत्नी स्वर्गीय विभू निशा जी की मृत्यु हो गई। और इरशादुल्ला साहब हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उनकी पत्नी स्वर्गीय इमराना जरीन की मृत्यु हो गई। सबकी मृत्यु पर हम गहरा शोक प्रकट करते हैं, अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और हमारे पार्टी के सब लोग इससे जुड़े हैं। तो हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई थी, स्वर्गीय कन्हैया कौशिक जो छात्र जदयू के उपाध्यक्ष थे, रहने वाले मधुबनी के, यहाँ अभियुक्ती की गिरफ्तारी हुई है। स्वर्गीय अशोक कुमार प्रखंड अध्यक्ष गम्हरिया मधेपुरा, हत्या के सभी 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। स्वर्गीय सुनील कुमार सिन्हा पंचायत अध्यक्ष बनमौली पूर्णिया के, हत्या 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। और एक स्वर्गीय साहेब यादव जिला सचिव भोजपुर, तो जगदीशपुर भोजपुर के रहने वाले, हत्या हुई इनकी, 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई है। इस पर जो भी जो काम है इसमें जांच वगैरह की, पुलिस अपनी जांच कर रही है, जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे दुख है कि हमारे इन साथियों की हत्या हुई। अब इसके बाद मृत्यु भी हमारे कई साथियों की हुई है। एक हैं कृष्णाकांत जी रहुई के रहने वाले नालंदा के, अभी हाल ही में हुआ स्वर्गीय इंजीनियर राधाकृष्ण जी की, डेहरी के रहने वाले थे, पहले प्रदेश महासचिव थे, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। विधानसभा प्रभारी हरनौत के, बाढ़ के रहने वाले प्रसन्न सिंह जी, उनकी मृत्यु हो गई। राजेंद्र खेमका प्रदेश सचिव व्यावसायिक प्रकोष्ठ के, उनकी मृत्यु हो गई। प्रदेश उपाध्यक्ष व्यावसायिक प्रकोष्ठ प्रदीप शाह जी की, उनकी मृत्यु हो गई बीमारी से। शिवहर के जिला महासचिव जनार्दन प्रसाद जी, उनकी मृत्यु हो गई। व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक गोपालगंज के स्वर्गीय राम गोपाल शर्मा जी की मृत्यु हो गई। लक्ष्मीपुर के प्रखंड उपाध्यक्ष झाझा जमुई के लेखा रविदास जी की, उनकी मृत्यु हो गई सड़क दुर्घटना से। और मोहम्मद इजाज अहमद प्रखंड अध्यक्ष मीडिया सेल जोकीहाट अररिया के, दुर्घटना में इनका ब्रेन हेमरेज हो गया। और उसके अलावे एक और दुर्घटना से राजेश कुमार महतो जी बूथ सचिव मुबारकपुर बाढ़ के, उनकी दुर्घटना से मृत्यु हो गई। और एक बीमारी से रविंद्र मिस्त्री जी मुखिया प्रखंड कार्यकारिणी सदस्य सक्सोहरा बेलसी बाढ़ के, उनकी मृत्यु हो गई। सबके मृत्यु पर हम अपना शोक प्रकट करते हैं और सबको उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप सब लोगों ने हम लोगों की जो बात सुनी है मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और एक ही आग्रह मैं आप सब लोगों से करूंगा कि भाई जो कुछ भी है ये सब का सब लोगों को इस बात को अपने मन में लेना, आपके इलाके में जो काम हुआ उन सब चीजों को देखना और उसके बाद नई पीढ़ी तक और एक एक जगह जाकर के अपनी बात कहिए। चुनाव होगा, जिस प्रकार से भी चुनाव होगा ये तो चुनाव आयोग का काम है, हम लोग करेंगे, समय पर ही चुनाव हो ये हम लोग भी चाहते हैं और ये चुनाव हो। लेकिन चुनाव में हम लोगों के बीच में जाएं
और आप सब लोगों से ये अपील करेंगे कि लोगों के बीच में काम की बात करिए, और जो दूसरे लोग हैं जो क्या ये लोग काम करते हैं और क्या बात ये लोग बताते रहते हैं सब लोगों के बारे में, जो सारे चीजों के बारे में जिनके चीजों को जो बात कहना चाहिए वो उन बातों के बारे में ही लोगों के बीच में कहना चाहिए। और अभी तो पता चला है, हम तो चल रहे थे आज यहां के लिए तो एक बयान शायद आया है, अब बयान अब पता जेल से क्या कोई बयान देगा, लेकिन जो भी होता है आदमी रहता होगा, जो भी हो बयान आया हम लोगों के बारे में कहा है, लालू जी के नाम से कहा गया कि हम लोग बिहार पर भार है। अरे हम लोग बिहार पर भार है, हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए भार है, और आप अंदर में हैं तो बिहार के लोगों को कोई चिंता नहीं ना है, काम करने वाले लोगों पर भार का माहौल बनता है, ये बात तो समझ के परे है। और किस तरह की बात ये लोग कर करके हर तरह से लोगों को जो अपने ढंग से कहते हैं ये क्या है, काम कीजिए। काम करने का लोगों ने मौका दिया, और जब काम करने का लोगों को मौका मिला तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं काम किया? काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने काम किया, और जो भी काम किया है जब तक मौका मिलेगा हम लोग सेवा करेंगे, और हम लोगों ने शुरू से ही कह दिया कि सेवा ही हमारा धर्म है, तो हम लोग काम करते हैं, जिनको जो कुछ भी करना है जो कुछ भी बोलना है बोलते रहिए, हम लोग भार आप जरा बताइए, और आप अंदर हैं तो लोगों को मुक्ति मिली हुई है। अब आप जानिए किस किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, हम लोग तो मिलकर के काम करते हैं, और समाज में सबको एक करना, समाज के हर तबके को जोड़ना, और उसी प्रकार से हम लोगों ने काम किया है। इसलिए हम सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि भाई सब लोग मिलजुल कर पूरी बात हर स्तर पर और नई पीढ़ी तक लोगों को बताइए और समझाइए, और ये लोगों का अधिकार है। जब भी चुनाव होगा जनता मालिक है, और जनता फैसला करेगी, वो फैसला करेगी कि किसको काम करने की जिम्मेवारी देंगे। तो हम लोग तो अब तक जो भी संभव है करते हैं, और आगे भी काम करने का जिम्मेवारी मिलने पर हम लोगों का लक्ष्य है, सेवा करेंगे, समाज में प्रेम का भाईचारे का सद्भावना का माहौल रहे इसके लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। समाज में लोगों को लड़ाने में हम लोगों की दिलचस्पी नहीं है, कुछ लोग लोगों को लड़ाते हैं और कैसी कैसी बात करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों का लक्ष्य आप सबको मालूम है, और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के समक्ष अपनी पूरी बात कहिएगा। तो आज के इस अवसर पर आज पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का मौका मिला है जो निश्चय संवाद के नाम से जाना गया, JDULIFE.COM के माध्यम से, और इसके माध्यम से भी काम होगा, और चुनाव आयोग तय करेगा, सभाओं के बारे में तय करेगा, उसी के हिसाब से हम लोग सभाओं में भी आएंगे। लेकिन सब तरफ से हमारे पार्टी के सब लोग मिल करके हर जगह पूरी सक्रियता के साथ काम करें, और आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और अपनी बात समाप्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी के भाषण के बीच में ही भगवान का भी आशीर्वाद और जो शुभ कहा जाता है, जमकर बारिश हुई पटना में बाहर, और मैं जितने सारे साथी जुड़े हुए हैं जितने, और काफ़ी हम लोग को लगता है 11:15 से हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, 2:45 बज रहा है, जितने सारे साथी जो हमारे जिला में प्रखंड में पंचायत में गांव में, और जो हम लोगों को कुछ फ़ोटो भी भेज रहे थे अभी मोबाइल पर, जो बड़ा बड़ा टेंट लगा करके टीवी लगा करके बैठ करके और मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहे हैं,
और बिहार के बाहर के भी जितने साथी आज अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण सुने हैं, हम सबको धन्यवाद देते हुए मीटिंग की कार्रवाई खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।